हेलो, कैसे हैं? स्वागत है राज क्लासेस में। आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं 12th बेस में, ठीक है? आज देखो, फंक्शन का हमने लेक्चर पूरा कर दिया है, उसमें जो कुछ एग्जाम में आता था उससे रिलेटेड हर टॉपिक आपका डिस्कस किया था। अब राउंड शुरू करते हैं लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी का, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इससे रिलेटेड आपको तीनों ही पॉइंट है तुम्हारे, ये लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी, इससे रिलेटेड आपका हर स्टेट के एग्जाम में मैक्सिमम लगभग 15 क्वेश्चन इससे रहते हैं, ठीक है? लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी से, तो आप इसको अच्छे से देखें और रेगुलर आप चैनल पर रहें तो हम एक एक टॉपिक करके ये तीनों टॉपिक आपके कंप्लीट कराएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे लिमिट के बारे में, ठीक है? लिमिट आपको अच्छे से पता होगा तो ये दोनों टॉपिक इजीली आराम से हो जाएंगे आपके। तो देखो, लिमिट हमारी क्या होती है, कोई कर्म होता है उसकी दो सीमाएं होती है, एक राइट हैंड लिमिट और एक लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट में ग्राफ हमारा कर्व कहां तक जा रहा है और लेफ्ट में हमारा कहां तक जा रहा है कर्व, ठीक है? तो उसको जैसे हमारा एक जैसे y = fx = mod x है, ठीक है? तो जो भी स्थिति बनती है, मान लो ये हमारा सिग्नम फंक्शन होता है, जैसे जैसे एग्जांपल लिखते हैं हम fx = mod x / x, इसका जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से होता है आपका, ठीक है? मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से होता है। तो राइट में लिमिट इसकी कितनी है, राइट हैंड लिमिट लिमिट है हमारी +1 और लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी कितनी है -1, ठीक है? माइनस से प्लस जा रहा है ये ग्राफ। तो ऐसे ही दो दो लिमिटेशन होती है, जैसे y = fx = mod x होता है आपका, ये mod x होता है, तो राइट में भी कहां तक जाना है, इंफिनिटी तक, लेफ्ट में भी हमारा किधर जाना है, इंफिनिटी तक। तो इसकी भी दो सीमाएं होंगी हमारी, ठीक है? तो और जब फंक्शन की दोनों ही लिमिट युक्ल होती है तभी हमारा फंक्शन एडजस्ट करता है, ठीक है? एडजस्ट करता है तुम्हारा, ठीक है? हाँ, तो देखो अब राइट हैंड लिमिट के बारे में देखते हैं। राइट हैंड लिमिट एट x = 0 पर बात कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट फंक्शन ऑफ 0 + 0 = h = 0 फंक्शन ऑफ 0 + h, ये हमारी राइट हैंड लिमिट होती है एट। और देखो दूसरी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है 0 - 0 लिमिट h = 0 फंक्शन ऑफ 0 - h, ठीक है? ये दोनों ही लिमिट होती है हमारी राइट हैंड लिमिट और ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है? राइट हैंड लिमिट और ये लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 0 के लिए। अब ऐसे ही एट x = 1 के लिए भी या 1 के लिए लिखे, राइट हैंड लिमिट हमारी होगी फंक्शन ऑफ a + 0 = lim h = 0 फंक्शन ऑफ a + h, ये राइट हैंड लिमिट होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी फंक्शन ऑफ a - 0 = lim h = 0 फंक्शन ऑफ a - h, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, ठीक है? लेफ्ट लिमिट को कभी कभी हम नेगेटिव से भी ये शो कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? राइट हैंड लिमिट प्लस से होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस से होती है हमारी, ठीक है? हाँ, तो कोई भी ग्राफ होगा उसकी दो लिमिटेशन होती है तुम्हारी, राइट हैंड लिमिट और ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है?
इस फॉर्मूले को आप अच्छे से, और यदि इफ राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट देन द फंक्शन इज एग्जिस्ट, तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज अदरवाइज नॉट एग्जिस्ट, नहीं तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा हमारा, ठीक है। अब इसकी रूलिंग होती है हमारी, दोनों सीमाएं जब तक बराबर नहीं होगी फंक्शन वैल्यू नहीं देता है हमारा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखते हैं आपको, इनकी आपको जानकारी देनी चाहिए, नोट में लिखना है, नोट में। जैसे जीरो अपॉन समथिंग इक्वल्स टू क्या रहता है हमारा, जीरो, और समथिंग अपॉन जीरो क्या रहता है, इन्फिनिटी, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी हमारा जीरो रहता है, ठीक है। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो रहता है। बेस कोई भी हो, बेस का पावर जीरो है उसका मान वन होता है हमारा, और यह बेस एक से कम है और उस पर पावर इन्फिनिटी है उसका मान जीरो रहता है। बेस एक से अधिक है और पावर इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी है उसका मान जीरो रहता है हमारा, ठीक है। और लॉग ई का मान हमारा वन रहता है, लॉग वन का मान हमारा जीरो रहता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड नोट है, इनको आप एस का मतलब बेयर, बेयर एस इक्वल्स टू समथिंग कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये नोटेशन आप अच्छे से नोट कर लें, इनका हम यूज करेंगे, ठीक है। बेस एक से कम है और पावर इन्फिनिटी है तो जीरो वैल्यू होती है, बेस एक से अधिक है पावर माइनस इन्फिनिटी है तो वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। और यह बेस सेम है तो पावर वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, और लॉग वन का मान जीरो होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक और बात बनती है, अब हमारी इसमें लिमिट में फॉर्म बना करेंगे क्वेश्चन को हल करने के लिए, तो द एक होता है इनर फॉर्म है, तो यह जीरो अपॉन जीरो इन डिटरमिनेट फॉर्म, दो फॉर्म बना करेंगे, ये जीरो अपॉन जीरो कहीं नहीं है, जीरो अपॉन जीरो इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। और एक इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मिल जाए तो इस स्थिति में इनका कोई एग्जैक्ट मान नहीं होता है, ये इंटीग्रल फॉर्म होती है, तो इस स्थिति में हम एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं, यूज करते हैं। जब ये फॉर्म बनेगी तो एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग हम करते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ए अपॉन जी ए, यदि ये जीरो अपॉन जीरो बनना हो तो अगेन इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ डैश ए अपॉन जी डैश ए, ठीक है। एक्स बोल क्या लो एक्स, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर जीरो बनना है तो जीरो अपॉन जीरो और फिर अगेन अप्लाई, अगेन अप्लाई ये होता है हमारा बाई
एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे, ठीक है। ये इसका एल वो होता है, ठीक है, लिमिट फाइंड करने का। अब हम एक दो क्वेश्चन लिखते हैं आपके, ठीक है, जो एग्जाम में आपके रहते हैं, ठीक है, हाँ ओके। और देखो इस टॉपिक को हम शॉर्टकट से ही कराएंगे, आपको प्रॉपर मेथड तो बता देते हैं, ठीक है। तो देखो एक दो क्वेश्चन लिखते हैं हम, देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टर्निंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्सिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बी ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, पीजीटी पीजीटी आंसर। देखें अब ये लिमिट एज टर्निंग टू जीरो है तुम्हारा साइन एक्स अपॉन एक्स, इसमें ये वैल्यू भर के देखें आप, क्या जीरो अपॉन जीरो है? यदि कोई स्पेशल फंक्शन लगा हुआ है तो अलर्ट हो जाना है हमारा, ठीक है। साइन जीरो हमारा जीरो होता है, एक्स जीरो जीरो अपॉन जीरो बनना है हमारा, तो हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं या एक्सपेंशन का यूज कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल हमारा क्या होता है, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट, साइन का कॉस एक्स बटे वन, और एक्स इक्वल टू जैसे जीरो होगा कॉस जीरो वन, वन अपॉन वन बराबर वन, ये ऑप्शन आपका करा, ठीक है। ऐसे करके हम इसको देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका, इसको इरेज करते हैं, दूसरा क्वेश्चन और लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर जैसे सेकंड, द वैल्यू ऑफ ऑफ लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो टेन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू, ए ऑप्शन दिया है जीरो, बी ऑप्शन दिया है वन, सी ऑप्शन दिया है टू, और डी ऑप्शन दिया है एनओटी, इनमें से कोई नहीं। ये भी पीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक बार आया भी है, इसको देखो आंसर लिखते हैं इसका, लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो टेन थीटा अपॉन थीटा, इसमें थीटा इक्वल्स टू जीरो, टेन जीरो जीरो होता है, जीरो अपॉन जीरो, ठीक है। तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, एल हॉस्पिटल रूल हमने बताया था, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट, टेन का होता है सेट स्क्वायर थीटा अपॉन वन, एक्स बराबर यहां लिख देना बाई एल हॉस्पिटल रूल, तो ये सेट जीरो क्या होता है तुम्हारा, सेट स्क्वायर जीरो क्या होता है, वन, वन अपॉन वन बराबर वन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके हाँ ठीक है। इसका स्क्रीन शॉट ले लें, इसको रेज करते हैं, अगला क्वेश्चन और लिखते हैं, ठीक है, हाँ देखो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो लॉग वन माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ए ऑप्शन जीरो, बी ऑप्शन वन, सी ऑप्शन टू, डी ऑप्शन एन ओ बी, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी केवीएस एनबीएस के लिए, ठीक है, इसका डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दिया है हमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो लॉग वन माइनस एक्स अपॉन एक्स, एक्स इक्वल टू जीरो इसमें भर के देखें, लॉग वन हमारा जीरो होता है अपॉन जीरो, यदि ऐसी स्थिति हमारी बनती है तो हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर लेते हैं, लिमिट
एक्स टेंडिंग टू जीरो लॉग एक्स का होता है वन माइनस एक्स वन अपॉन वन माइनस एक्स, इस बेस का कराइए तो माइनस अपॉन एक्स का वन, एक्स इक्वल टू इसमें जीरो बढ़ते हैं वन माइनस जीरो इक्वल टू माइनस का वन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एन ओ टी हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है एन ओ टी हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है भाई। अच्छा और देखो क्वेश्चन लिखते हैं, हाँ इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो थीटा टेंडिंग टू पाई बाय टू, ठीक है कॉस एक्स बटे एक्स माइनस पाई बाय टू, ये है सवाल, ठीक है इस इक्वल्स टू ए ऑप्शन जीरो, बी ऑप्शन वन, सी ऑप्शन टू और डी ऑप्शन एन ओ टी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पीजीटी जीआईसी बीएससी एमएससी सब में पूछा जाता है। आंसर देखो, लिमिट थीटा टेंडिंग टू पाई बाई टू कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाई टू, एक्स थीटा की जगह थीटा है, थीटा ठीक है या फिर यहां एक्स कर दें, क्या कर दें एक्स एक्स कर दें, एक्स इक्वल टू नब्बे, कोस नब्बे जीरो होता है आपका और एक्स की जगह यहां तो ये जीरो अपॉन जीरो बन रहा है हमारा, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू, एल हॉस्पिटल रूल लगा दें, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स का वन, माइनस साइन पाई बाई टू और साइन नब्बे की वैल्यू क्या होती है वन, दैट इज माइनस वन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, या माइनस कर देते हैं यहां तो ये सी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आज हमने इसका आपको बेसिक बताया है, ठीक है अगले लेक्चर में हम ट्रिक के साथ क्वेश्चन आपको लगवाएंगे, जरूरत पड़ती है तो एक्सपेंशन भी बताएंगे इसका, ठीक है और एल हॉस्पिटल रूल की हेल्प से ही क्वेश्चन आपको लगवाएंगे अगले लेक्चर में हम ट्रिक के साथ, और डज नॉट एग्जिस्ट वाले क्वेश्चन भी होंगे स्पेशल फंक्शन वाले, ठीक है आप अच्छे से इसको देखें, चैनल पर रेगुलर रहें, आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है इसको तब तक के लिए अच्छे से बात करें, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली ट्रिक के साथ, ओके बाय।